हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी स्किन वाइटनिंग क्रीम जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके स्किन में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, टैनिंग हो गई है, रिंकल्स हो रहे हैं या फिर साथ ही साथ फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होकर आपको यंग, ग्लोइंग और यूथफुल स्किन मिलेगी। सो गाइज, इस क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है लेमन। सो गाइज, लेमन में वाइटन एजेंट होता है जिससे हमारी स्किन लाइट एंड वाइटन होती है। साथ ही साथ हमारे स्किन पर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल, डार्क स्पॉट्स, तो वो भी दूर होगी। सो गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की, हमें किस तरीके से इस क्रीम को रेडी करना है और साथ ही साथ इस क्रीम को यूज़ करना है। सो गाइस, इस क्रीम को बनाना बहुत ही ईजी है। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेमन चाहिए यानी नींबू। सो गाइस, नींबू बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल, आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए आलमंड ऑयल और लास्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए विटामिन ई कैप्सूल। सो गाइज, अब इस क्रीम को किस तरीके से रेडी करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, आप इसे एज अ क्रीम या फिर आप इसे एज अ सीरम भी बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज, सबसे पहले इस क्रीम को बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है और उसमें आधा चम्मच नींबू डालना है। सो गाइज, नींबू ऐड करने के बाद आपके जो इसमें बीज होते हैं वो आपको साइड कर लेना है और उसके बाद आप इसमें ऐड कर लीजिए एक विटामिन ई कैप्सूल। तो गाइस, विटामिन ई कैप्सूल डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, विटामिन ई कैप्सूल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए। उसके बाद मैं इसमें 5 से 6 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल की डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच एलोवेरा जेल। तो गाइस, एलोवेरा जेल डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। तो गाइस, जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आएगा, एकदम क्रीमी नहीं बनेगा। आप इसे एज अ सीरम, एज अ क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। साथ ही साथ लेमन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सो गाइस, अब हमारा लेमन सीरम क्रीम एकदम रेडी है। अब आपको एक क्लीन कंटेनर लेना है जिसमें आप इसे कम से कम 5 से 7 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। सो गाइस, इस क्रीम को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि इसमें विटामिन सी होता है जिससे हमारी स्किन टोन इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ इसमें एक नेचुरल एक्सफोलिएंट है जो आपकी स्किन टोन को वाइटन करता है और आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। सो गाइस, विटामिन सी वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी स्किन को ब्राइटन करने के लिए, हमारी स्किन टोन को, हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो गाइस, अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इसको यूज़ करने के लिए आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसके बाद अपने फिंगर टिप की हेल्प से इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है और उसके बाद आपको कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। सो गाइस, इस सीरम क्रीम को आप कम से कम दिन में 2 बार जरूर ट्राई कीजिए। रात को सोने से पहले भी आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। सो गाइस, अगर आपको इस क्रीम के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे रात में जरूर ट्राई कीजिए और पूरी रात अपने फेस पर इस क्रीम को लगा रहने दें और सुबह अपना फेस अच्छे से वॉश करें। सो गाइस, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी स्किन के सारे दाग धब्बे, झुर्रियाँ, साथ ही साथ डार्क स्पॉट, जो भी प्रॉब्लम वो सारी दूर होगी और आपको यंग, ग्लोइंग और यूथफुल स्किन मिलेगी। सो गाइस, इस क्रीम को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा और आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।